कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र के दुधावा चौकी अंतर्गत दुधावा बांध में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा भारी मात्रा में सरकारी दवाई फेंके जाने का मामला सामने आया है, जहां बांध के पानी में पशु चिकित्सा विभाग की दवाइयां तैरती दिखी। बता दें, पशुओं के लिए उपयोगी सरकारी दवाइयों को उपयोग में ना लाकर दुधावा बांध में फेंका गया है। फेंकी गई दवाइयां बांध के पानी में तैर रही हैं, जो कि पशु चिकित्सा विभाग के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करती है। मामला सामने आने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि दवाइयां किसके द्वारा फेंकी गई है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं 2-3 कार्टून स्पॉट से मिले हैं, जिनमें एक कार्टून में धमतरी जिले का भी नाम अंकित है। आगे उन्होंने जाँच के लिए समिति गठित कर विभागीय जाँच की बात कही है। अब सवाल यह उठता है कि बिना एक्सपायरी के भारी मात्रा में सरकारी दवाइयों को आखिर बांध में फेंक कर क्यों नष्ट किया जा रहा है, या इन दवाइयों को स्टॉक में रखकर विभाग द्वारा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जी सर, ये दुधावा बांध में जो दवाई जो फेंकी गई थी, उस संबंध में बताएंगे क्या विस्तार? ये फेंकी गई है या कहीं से गिर गई है जाते जाते, इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद में ये जरूर कहना चाहूँगा कि उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच कमेटी बन गई है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो कार्टून मिला है, कार्टून तो 2-3 मिले हैं, एक कार्टून में धमतरी का नाम भी लिखा हुआ है। जी जी, तो आपको लग रहा है कि वो बाहर के हो सकते हैं? नहीं, अभी बिना जांच के हम नहीं बता सकते। जी, अब जांच कमेटी उठेगी। हाँ, जांच के बाद ही जो, तो इसके लिए कमेटी गठित कर दी है। हाँ, जांच के बाद ही जो है ना रिजल्ट सामने आएंगे। जी जी सर। For more information, log on to www.clips.in.